आप सबसे पहले आपको ख्याल कैसे आया कि कठपुतली बनाएं और लोगों के बीच में जाएं? बच्चे लोग कितना मजा रहा है? बहुत मजा रहा है। कभी देखे थे ऐसे कठपुतली? नहीं। लेके जाओगे घर? घर में पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? घर में नहीं हटेगा। घर में नहीं हटेगा। ये क्या पकड़े? आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा अभी तक पूरे जितने शो कर चुके हैं, और सबसे दूर कहाँ गए थे? मतलब मैम, आपसे अगर कठपुतली का कार्यक्रम कराना है तो सीजी पीछे पुतला देख रहे हैं, बहुत सुंदर प्यारा दिख रहा है। मेला में हर कोई कठपुतली दिख रहा है, और कठपुतली कठपुतला सब है। ठीक है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेन पार्ट महोत्सव में हम लोग इस समय खड़े हैं। कैमरामैन को बोलूँगा घुमा के दिखा देंगे। इधर मेन पार्ट महोत्सव का स्टेज है, और यहाँ ठीक बगल में पुतला कठपुतली कठपुतला जा रहे हैं, और यहाँ पर मेला में लोग फोटो खिंचा रहे हैं, साथ में खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। पूरा टीम से मिलेंगे और क्या क्या उन लोग मेहनत किए हैं उसको बात करेंगे, और कैसे बनाए हैं, कैसे इजाद में आए। सबसे पहले मैम आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किरण मोइत्रा है और मैं बिलासपुर से हूँ, और बिलासपुर की पहचान ये कठपुतलियाँ हैं। और जैसे कि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे, लेकिन इस तेज़ी में भी अभी भी 24 साल हमको लग गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व जाने कि बिलासपुर से कठपुतली की टीम आती है। जी मैम, मैं बता दीजिए पहले कि कठपुतली का टीम बिलासपुर से तो आई है, पहले आप सबसे पहले आपको ख्याल कैसे आया कि कठपुतली बनाएं और लोगों के बीच में जाएं? कठपुतली का जन्म हमारे संस्था में सन 2000 से हुआ, और मेरी सासू माँ टीचर थी, तो छोटी छोटी कठपुतलियाँ हमने दस्ताने से बनाना शुरू किया। उसके बाद एक दो इवेंट हुए तो समझ में आया कि लोगों के लिए, लुभाने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कठपुतलियाँ बनाते गए। फिर सन 2012 में हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, और उसके बाद ये बड़ी कठपुतलियों का हम लोगों ने मतलब कोशिश करके देखा। तब हम ग्लोब से बनाते थे और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते थे, कई बार हमारा काम फेल हो गया है ना, लुगदी से बनाते थे, बहुत सारे कपड़े यूज़ करते थे, लेकिन अब ये फाइनली इतनी अच्छी बन गई है कि ये आकर्षण का जरिया है, और शिक्षा और मनोरंजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप लोग मेन पार्ट महोत्सव आते होंगे, देखते होंगे कठपुतलियाँ कठपुतले घूमते हैं और लोग सेल्फी लेते हैं, स्टेज में कार्यक्रम चलते रहता है, उसके बीच में सामने स्टेज के टहलते रहते हैं और लोग उसको कार्यक्रम के साथ उसका मजा लेते हैं। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया कि एक मेले में जाएं और कार्यक्रम के मेले में लोगों के साथ मिलें, और ये ऐसा कठपुतली बनाने के बाद आपको कैसा ख्याल आया ऐसा? नहीं नहीं, लोगों को तो जानकारी कंटिन्यू हो ही रही थी, क्योंकि हमारा काम 2001 विधानसभा से ही शुरू हो गया था, और हमारी उपलब्धि और हमारा काम, मेरी सासू माँ का जो काम, बहुत ही अच्छा चल रहा था। बस कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो शासन की योजनाओं के तहत हमारा लगातार इस्तेमाल किए कि हमारी कठपुतली हमारे मंच के द्वारा दिखे, और छोटी कठपुतलियों के साथ बड़ी कठपुतलियाँ आकर्षण का जरिया हैं। तो जब भी हमको स्टेज शो मिलता है तो हम छोटा और बड़ा दोनों कठपुतली लेकर जाते हैं, लेकिन गूगल पे जब से हमारा नंबर आया है, वेबसाइट डिजाइन हुई है, तो लोगों के लिए आसान हो गया। मैं आपसे, लोग कैसे जुड़े और कैसे आपको बुलाएं अपने कार्यक्रम में? हाँ, लोगों के लिए आसान हो गया है। हमने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पानी रोको अभियान। पहले हमने निर्मल ग्राम झांकी भी बनाई, उसमें हम फर्स्ट आए थे, और अभी लगातार हमने निजात के लिए काम किया, सड़क सुरक्षा यातायात योजना के लिए काम किया, और बहुत सारे आयोजन भविष्य में होने वाले हैं। तो गूगल पे आप जाते हैं cgkatputli.com, cgkatputli बिलासपुर, तो आपको आसानी से हमारा पेज दिखेगा। और साथ ही अगर YouTube पे आप ढूंढते हैं cgkatputli बिलासपुर, तो उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, जो बहुत सारी विधा है, और कठपुतलियों के कई प्रकार हैं, तो कठपुतलियों के कई प्रकारों में हमारे पास 5 प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। दस्ताना कठपुतली जो हाथ से चलाई जाती है, छड़ कठपुतली, धागा कठपुतली, रॉड कठपुतली, और साथ में ये रोड में चलने वाली कठपुतलियाँ, इनका वजन 40 से 45 किलो होता है, और ये लगभग 14 से 15 फीट ऊंची होती है, और इसको अमिताभ जी को बनाए हुए अभी एक महीना, आज शायद 24 तारीख है, इसको बनाए आज 24 तारीख को एक ही महीना हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत ही खास पल रहा, क्योंकि इसको हमने मात्र 2 दिन में तैयार किया था, और ये एक बहुत बड़े इवेंट के लिए हमने तैयार किया था। और इत्तेफाक की बात है कि जिला प्रशासन सरगुजा से हमें कॉल आया और हम बिल्कुल आ गए।
मतलब मैम आपसे अगर कठपुतली का कार्यक्रम कराना है तो cgkathputli.com या cgkathputli बिलासपुर लिखेंगे, जो नंबर आएगा उस पर कॉल करके आपसे जानकारी लिया जा सकता है। आप भी जाइए अपने मेला और जो भी कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रमों में के लिए बुक कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बड़े कार्यक्रम के लिए हमें बुलाएं, बजट इशू किसी का है तो हम वहाँ दो कठपुतली ले जाते हैं, छोटी कठपुतली ले जाते हैं। आसपास के सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है, बस्तर में हमने काम किया है, तो जो जातिवाद होता है और गोंडी भाषा, हल्बी भाषा, यहाँ जैसे सरगुजिया भाषा, कर्मा, पंथी, ददरिया, राउत नाचा, हमने सभी फोक में तैयार किए हुए हैं। तो ये आसान है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गूगल पे जाके सीजी कठपुतली बिलासपुर। और अगर सही आपका इंस्टाग्राम आईडी इस कठपुतली का है क्या? हाँ, क्या नाम है? सीजी कठपुतली बिलासपुर। सीजी कठपुतली बिलासपुर, सबको फॉलो कर लीजिए। मैं भी अभी जा रहा हूँ, फॉलो करूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। और आप जो फोटो खिंचाए हैं या जो वीडियो लिए हैं उनको मेंशन करिए, फॉलो बैक मेंशन बैक मिलेगा, है ना। तो मैम एक चीज़ और बता दीजिए कि ये इतनी सारी कठपुतलियाँ बनाने में और इनके पीछे कितने लोगों का हाथ है और आपका टीम कितना है? टीम में तो हमारे पास 20 से 22 कलाकार हैं जो चलित हैं, जो हम कभी भी कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। लेकिन मैं कॉल तभी कर पाती हूँ जब मुझे बजट मिलता है। जैसे ज़्यादा बजट होता है तो मैं ज़्यादा लड़कों को बुलवाती हूँ, क्योंकि कठपुतली की डिमांड ज़्यादा रहती है। किसी जगह सामाजिक काम पे हमें 10 कठपुतलियाँ लग जाती है, कहीं पर 12 लग जाती हैं, तो हमको एक कठपुतली में 3 लड़के लगते हैं उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि वो अपना वजन कंटिन्यू नहीं उठा सकते। तो अभी यहाँ पर हम मात्र 10 लड़के लेके आए हैं और यहाँ 7 कठपुतलियाँ आई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बजट मैच होता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन शासन के लिए काम करना हमारा शौक है, शिक्षा, सूचना और प्रचार से हम लगातार जुड़े रहते हैं। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा अभी तक पूरे जितने शो कर चुके हैं, और सबसे दूर कहाँ गए थे? हम सबसे दूर महाराष्ट्र तक गए हैं। और बहुत ही कोई काम अच्छा या बुरा नहीं है, हर जगह कुछ यादगार पल की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ तकलीफें हर जगह आती हैं। और लेकिन हमने बस्तर में जब ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम किया, एक गांव था धूरी करके, थी एक गांव, वहां पर बहुत सारे लोग पूरे नशे में थे। और कटे कल्याण भी हम गए जहाँ पर ना लाइट था ना ही वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा थी। हमने वहाँ 3 दिन 3 रात रहकर काम किया, तो उस दौरान समझ में आया कि लोग कितने अज्ञान हैं। और उनके बीच जब हमने पोषण आहार की जानकारी दी, उनको खाना बनाने का सही तरीका बताया, उनको खाकर आप कैसे बच्चों को पालन कर सकते हैं, जब हम उनके बीच रहे, लगभग मैं वहाँ 1.5 महीने थी उनके बीच, तो वो पल मेरे लिए सबसे यादगार था कि कितनी गरीबी अब भी है। और भारत बोलते हैं संपन्न हो गया, छत्तीसगढ़ संपन्न हो गया, लेकिन बस्तर का कुछ एक क्षण अभी भी ऐसा बाकी है। और वहाँ रहकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वे बच्चे और वो लोग इतना अच्छा प्रोग्राम देख पाए, और वहाँ की पढ़ाई बहुत मतलब अच्छी है। बस्तर में आपको सबसे अच्छा लगा? तो दोस्तों कठपुतली तो आप लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें, आप फोटो खिंचाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन इसके पीछे का मेहनत जो टीम है वो आँख में आंसू लेके और रोके बहुत मेहनत से काम करते हैं और उसके बाद आप तक पहुँचते हैं। तो इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन जो करते हैं उनसे मिलते हैं हम, कौन करते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन सर? क्या नाम आपका? रुपेश कुर्रे। पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइन आप किए हैं? जी। और कितना मेहनत लगता है सर? सर इसको सिलाई करने में बहुत मेहनत लगती है, और 4 से 5 दिन में इसका 10 घाघरे, एक 10 साड़ी को सिलेंगे आप तो एक घाघरा बनेगा, एक ड्रेस तैयार करने में बहुत समय लग जाता, मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा इतना ज़्यादा मेहनत लगती है कठपुतली बनाने में, और इसका कार्यक्रम होने वाला स्टेज पे अभी थोड़े ही देर में बस स्टेज में जा रहे हैं, तो उसका वीडियो मैं अगले ब्लॉग में डालूंगा। तो इस ब्लॉग में यहीं तक, मैं गोविंद कुशवाहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को यहां तक देखा। और अभी तो कठपुतली केवल खड़े हैं, इनका डांस स्टेज पर होने वाला है, उस डांस को भी देखिएगा अगले ब्लॉग में। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसमें पत्थर फेंक के मारिए, हाथ फेंक के मारिए, जो भी करना है करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीजी कठपुतली जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके आप लोग इंतजार करिए अगले ब्लॉग का, इनका डांस और जो स्टंट कार्यक्रम है जो उसका वीडियो आने वाला है। बच्चे लोग कितना मजा रहा है, कभी देखे थे ऐसा कठपुतली? लेके जाओगे घर? घर में पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? घर में नहीं हटेगा। घर में नहीं हटेगा। ये क्या पकड़े आप? टोकरी। क्या बासी है इसमें? साग बासी है। तो ठीक है, फोटो खिंचाओ, खूब एंजॉय करो। मैं भी भाई कुछ हो गया, मारपीट हो गया लग रहा है।
थैंक यू सो मच जी। दोस्तों अगर आप इस और कोई क्लिप विप नहीं लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया कुश्ती का प्रदर्शन प्रारंभ है, बहुत ही बहुत बढ़िया चार नई बेटियों को बहुत ही प्यार और उत्साह है, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी सरगुजा की बेटियां मैदान में बैठी हुई या सिंघवी के रूप में बहुत ही शानदार। मैं बताना चाहूंगा कि दोनों आपस में बहन भी हैं। अरे गजब, आपस में दोनों बहुत ही शानदार दोनों बहनों का।